बराबर है, जब ईश्वर ही बराबर है, एक है, तो फिर हम उनमें भेद करने वाले कौन हो। तो शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए भगवान नारायण योग निद्रा में भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, भगवान नारायण की एक क्षण के लिए, एक क्षण भी बहुत हो गया। भगवान नारायण की आयु तो इतनी है कि उनके एक क्षण में न जाने कितने कल्प बीत जाए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कहें कि उनकी आंखें खुली और आंखें बंद हुई, और इतने में उनको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। फिर से वे अपनी ध्यानस्थ अवस्था में चले गए। इधर ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं आया हूँ वैकुंठ धाम में, नारायण जी लेटे हुए हैं और उन्होंने मुझे देखा भी, फिर देखकर मुझे अनदेखा कर दिया। न मेरा आदर, न मेरा सत्कार, न मेरा मान, न मेरा सम्मान, न मेरी प्रतिष्ठा। उनको तो उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए था। मैं ब्रह्मलोक से और वैकुंठ में आया हूँ, मुझे आता देखकर वे अनदेखा करके फिर अपनी योग निद्रा में चले गए। और ऐसा मन में भाव रखकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कुछ दूर कहा जाए कि अपशब्दों की दृष्टि से ऐसे कुछ वाक्य बोलना आरंभ कर दिए कि हे नारायण, आप मूढ़ मती हो, आप मुझ ब्रह्मा को, मुझ सृष्टि के रचयिता को, मैंने सृष्टि का सृजन किया है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं आपके पास आया हूँ, और आपने मुझे आते देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया, आपने मेरा उचित मान सम्मान नहीं किया। भगवान नारायण बोले कि आप जरूर सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन हे ब्रह्मदेव, आपकी रचना मुझसे ही हुई है। मेरे नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हो और मेरी आज्ञा से ही आप इस सृष्टि की रचना करते हो, आकर प्रणाम तो आपको करना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी नारायण जी को कहते हैं कि आपको प्रणाम करना चाहिए था, उधर वो उनको कहते हैं। तो परस्पर यह जो विवाद था, ये एक युद्ध का रूप धारण कर गया कि आप में से और मुझ में से कौन छोटा और कौन बड़ा, ये तो अब युद्ध के परिणाम के ऊपर ही निर्भर करता है। और जब यह विवाद बड़ा और युद्ध का रूप धारण कर गया, अनेकों वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, क्योंकि जो तीनों आदिशक्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, लेकिन जब जो परम शक्तियां आपस में टकराती हैं तो निर्णय इतना जल्दी नहीं निकलता। अनंत वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। जब उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, देवता घबराए कि इतनी परम शक्तियां आदिदेव आपस में टकराए हैं, जरूर सृष्टि में कुछ ऐसी उथल पुथल होगी कि जिसका दुष्परिणाम सबके लिए सहन कर पाना संभव नहीं होगा। और जाकर भगवान भोलेनाथ को उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवाजी देव महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कुछ विवाद छिड़ा है, अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर दोनों आमने सामने हो गए हैं, आप कुछ कीजिए महादेव, अन्यथा इन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का प्रहार एक दूसरे के ऊपर किया तो ये सृष्टि समय से पहले अपनी लय को खो देगी, और उस सृष्टि की लय बिगड़ने से न जाने कितना जो नुकसान है वो समस्त सृष्टि के लोगों को झेलना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ कीजिए। भगवान ने देवताओं की विनती सुनकर भोलेनाथ ने, जहां ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के मध्य में एक अग्निखंभ का रूप धारण कर लिया, और वो अग्निखंभ जिसकी ना जिसका कोई अंत आकाश की तरफ दिखा, न कोई उसका अंत पाताल की तरफ दिखा, न दाएं दिखा न बाएं दिखा, बस एक अग्नि का एक खंभा तो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हो गया। अब युद्ध का परिणाम तो वैसे भी नहीं निकल रहा था, और अपने युद्ध के मध्य में ये विघ्न आते हुए देख आखिरकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह निर्णय किया कि देखो,
निर्णय तो हमारा वैसे नहीं निकल रहा, तो क्यों ना ऐसा करें कि इस खंभ का जो अंत नहीं दिख रहा, जो इस खंभे के अंत को देखकर आ गया और प्रमाण लाया साथ में, वही हम दोनों में से श्रेष्ठ है। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर बैठकर आकाश की तरफ गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं आकाश की तरफ इसका अंत ढूंढने का प्रयास करता हूँ, आप पाताल दिशा की तरफ जाकर और इस अग्नि खंभ का अंत ढूंढिए। दोनों अपने अपने तरीके से उस अग्नि खंभ, अब जिसका कोई अंत है ही नहीं, उसका अंत आप और हम और कोई भी कहाँ से ढूंढ सकता है। जिस तरह लीलाओं का अंत नहीं है, उस तरह प्रभु का तो कोई और छोर कोई भी अंत नहीं है। महादेव अग्निखंभ के रूप में दोनों के मध्य में आए हैं। ब्रह्मा जी गए आकाश मार्ग की तरफ। कहते हैं कि हजारों चतुर्युगियां बीत गई, न जाने कितना समय, चतुर्युगियों का आप समझिए कि सतयुग बीत जाए, द्वापर त्रेता कलयुग सब बीत जाए और हजारों बार बीत जाए, फिर भी कोई और छोर न मिले, इतना समय बीत गया। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की तरफ हैं, नारायण पाताल दिशा की तरफ हैं, लेकिन अंत नहीं ढूंढ पाए। अंततः भगवान ब्रह्मा जी को शिव जी की जटाओं में कभी एक केतकी का पुष्प सदैव विराजमान हुआ करता था। वह केतकी का पुष्प भगवान की जटाओं से गिरा था। और जो भगवान की, देखो भगवान ने चढ़ा के रखा है तो चढ़ा के रखा है, लेकिन जब किसी को गिराना भी आरंभ कर